तो जैसे ये शरीर के आकार के कपड़े बनाए, लेकिन ऐसा होने पर भी शरीर और कपड़ा एक नहीं हो गए। ऐसे ये आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं। तो ये जैसा शरीर का आकार है अंदर, ऐसे ही आत्मा का आकार है। आत्मा के सारे प्रदेश इस शरीर से ढके हुए हैं, ऐसा समझ लो। ऐसा होने पर वह शरीर और आत्मा एक नहीं हो जाती, लेकिन अज्ञानता के कारण भ्रम से वो एक होता मानता है। मानते कि नहीं मानते, पर को ऐसा लगता है कि मैं शरीर ही तो हूँ। अजो कितना अच्छा उदाहरण दिया, पर उससे क्या होता है कि वो पागल ऐसा मानता है कि ये मेरे अधीन है कपड़े। जैसे हम मानते कि शरीर मेरे अधीन है। अब शरीर में नाना प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है, कभी बीमार होता है, कभी कुछ होता है, कभी मतलब होता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा मानते हैं कि ये मेरी अवस्था हो रही है। पेट में दर्द किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। शरीर में आदि व्याधि किसे हो रही है? मुझे हो रही है। पतला हो गया शरीर तो कौन पतला हो गया? मैं पतला हो गया। शरीर मोटा हो गया तो कौन मोटा हो गया? मैं मोटा हो गया। ऐसे 24 घंटे मिथ्या दर्शन चलता है 24 घंटे। और इसी शरीर में एकत्व करता है, करता है, करता है। अब देखो और इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी, ये इम्पोर्टेंट बात लिखी कि जैसे वो पागल को कपड़े पहनाए किसी दूसरे ने, ऐसे इस आत्मा का और शरीर का संबंध कराया कर्मोदय ने। कर्म के उदय के कारण ये शरीर मिला। अब कर्म के उदय के कारण मिला तो कर्म की ही चलती है। ये शरीर काला होगा कि गोरा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कर्म डिसाइड करेगा। ये कब मोटा हो जाए, कब पतला हो जाए, कब बीमार हो जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? कर्म करेगा। जैसा कर्म आएगा वैसा ये शरीर का परिणाम होता जाएगा। ठीक है, अब है तो वो कर्माधीन और हम मानते हैं अपने अधीन, और वो अपने अधीन है नहीं तो वहाँ वो अपने अनुसार परिणमन करता नहीं। वो तो जैसा कर्म आता है वैसा परिणमन करता है, और अंदर से फिर बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी क्यों होता है? क्योंकि ये चाहता है कि ऐसा परिणमन करे और वो वैसा परिणमन नहीं करता। कोई पतला होना चाहता है वो मोटा होता है, कोई मोटा होना चाहता है वो पतला होता चला जाता है, कोई लंबा होना चाहता है वो नहीं होता, है ना। बीमार कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन बीमारी वर्तमान काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी है। अब एक व्यक्ति स्वस्थ है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है, कि तुझे क्या बीमारी है कि मेरे सिर के बाल झड़ रहे हैं, यही बीमारी है। अब उसी के लिए परेशान है बेचारा, नहीं समझ। अब सिर के बाल तो बिल्कुल अपन नाई को भी दे के आते हैं फ्री में, वो पैसा देते हैं, लेकिन वे बाल झड़ने लगे तो रात और दिन आकुल व्याकुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी अवस्था मेरी है। अगर ये बाल झड़ जाएंगे तो मैं सुंदर नहीं दिखूँगा। तो शरीर की सुंदरता से अपनी सुंदरता मानते हैं श्रद्धान में, इसका नाम मिथ्यात्व है। हल में है ना,